स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत, और जो स्कूटर कम बाइक जो मेरे सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं AE3। ये हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से है। आप देख सकते हैं कितनी फैंटास्टिक लुकिंग एक स्कूटर है। बेसिकली स्कूटर ही है, मोटरसाइकिल नहीं है। आगे से हो सकता है लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाए, बट दिस इज़ दी AE3। AE3 इसका नाम नहीं है, इसका कोड नेम रखा गया है AE3। जब लॉन्च होगी, अभी ये सिर्फ शोकेस है, जब लॉन्च होगी तब इसका नाम कुछ और होगा, और हो सकता है थोड़ा सा डिज़ाइन वाइज कुछ अलग भी हो, लेकिन अभी जैसी है बहुत अच्छी लग रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से, देख सकते हैं फुल एलईडी हेडलाइट यूनिट, जिसमें DRLs है, एंड देखने तो चाबी लगी है कि यार उन थिंक चाबी लगी हुई है। सो बड़ा सा फ्लाई स्क्रीन मिलता है। आई गेस दिस इज द DRL एज ऑफ नाउ, और द इंडिकेटर एज ऑफ नाउ क्या है मेरे को नहीं पता, बाइक अभी ऑन नहीं है। तो आगे आप देख सकते हो, आगे इसको मिलता है इट गेट्स टू व्हील्स, दो चक्के मिलते हैं, और दोनों में डिस्क ब्रेक है, और दोनों मुड़ते हैं, और आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्पीड अचीव कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि स्लिप होने का डर थोड़ा कम है, क्योंकि फ्रंट एंड इसमें लूज़ करना उतना ईजी नहीं है। काफ़ी कूल स्कूटर है, एंड चलाने में भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। आप अगर शेप देखेंगे इसका, इस अगर ये चीज़ ढंग से शेप देखेंगे तो आई मीन काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ सुजुकी बर्गमैन, बट बहुत अच्छी बनाई है। इट्स अ बिग स्कूटर, सीट बहुत अच्छी है, जो राइडर है उसके लिए एक छोटा सा बैकरेस भी दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा सोच है। पिलियन के लिए सीट जो है वो डिसेंट है, सीट कुछ नहीं है, और इसको मिलता है एक बहुत बड़ा सा एक, ये देख सकते हैं आप, एक स्क्रीन जो कि इतना बड़ा है। इसमें आपका GPS नेविगेशन सब कुछ है। स्कूटर में एक रिवर्स गियर है, जो यहाँ ये आर से सिग्निफाई करता है, ये आर दबाएंगे तो स्कूटर 3 से 4 की स्पीड में पीछे जाएगा। यहाँ पर सारे स्विच गियर्स हैं स्कूटर के, पास लाइट ऑन, आई गेस दिस पार्क, एंड ये इंडिकेटर्स के लिए हैं, एंड दिस फॉर द हॉर्न, डिस्क ब्रेक ऑन ईदर एंड्स आगे पीछे, एंड ये कलर काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आई गेस दिस इज डार्क ग्रीन, बॉटल होल्डर, मोबाइल चार्जर, वो सब तो बेसिक है, एंड आई गेस इसमें यहाँ पे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। ओह दैट इज़ सो कूल, यहाँ पे 2 स्पीकर लगाए गए। आई होप, आई विश ये स्पीकर्स यहाँ पे आ सकते थे ऊपर की तरफ, ताकि आवाज़ आपके पैर पे नहीं आए करके, आवाज़ जो है मतलब वो डायरेक्टली आपकी तरफ आए। सो एंड इसका जो रियर सेक्शन है आप देखेंगे, इसका स्विंग आर्म जो है काफ़ी एक्सटेंडेड है, एंड इट्स बेल ड्रिवन स्कूटर। इसका मोटर यहाँ पे है अंदर की तरफ, एंड बेल ड्रिवन है। पीछे भी डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आप देख सकते हैं पीछे डिस्क ब्रेक है, एंड ABS है कि नहीं हम बोल नहीं सकते हैं अभी। आई गेस अगर स्कूटर में ABS हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी बल्की स्कूटर है, एंड ABS होगा तो थोड़ा अच्छा ही होगा, थोड़ा सेफ रहेगा राइडर्स के लिए। तो अब बात करें थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की, तो ये स्कूटर में एक 3 kW का बैटरी लगा हुआ है, जो कि आपको रेंज दे देता है 80 to 90 km का। टॉप स्पीड है 85 km/h। अगर इसमें मोड्स हैं, मेरे को एक्चुअली अभी पूरा नहीं पता है, बट इसमें मोड्स है, आप लोअर मोड्स में स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ज़्यादा इकोनॉमी के लिए, हायर मोड में जो कि स्पोर्ट मोड है जैसे कि, उसमें आप टॉप स्पीड पे जा सकते हो 85-90 के आसपास। एंड बैटरी जो है वो 4 से 5 घंटा लेती है फुल चार्ज होने में। एक बार फुल चार्ज हो जाती है 80 से 90 km, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइड इट, ये स्कूटर जाएगी। काफ़ी मस्त है दोस्तों ये स्कूटर दिखने में, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए आपको स्कूटर कैसी लगी, बिकॉज आप देख सकते हैं ये कुछ यूनिक चीज़ है, हर दिन देखने को नहीं मिलता है ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब तक के लिए मैं प्रमीत साइन आउट कर रहा हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।